हम देखेंगे हैंगिंग। तो हैंगिंग क्या होती है, सेल्फ सस्पेंशन भी कहा जाता है इसको। हैंगिंग एस्पेक्सिया का ही एक फॉर्म है, मतलब कि एस्पेक्सिया मतलब क्या कि ओटू की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे एस्पेक्सिया का ही एक फॉर्म है हैंगिंग। और इसमें क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है वो सस्पेंड होती है, सस्पेंशन होता है उसका, लटकी रहती है। किसकी सहायता से लटकी रहेगी, लिगेचर की सहायता से। अब जो लिगेचर है वो क्या होता है, तो लिगेचर यानी कि हैंगिंग के जो फांसी के लिए जो अपना उसका जो फंदा यूज़ किया जाता है, या ये कोई भी रस्सी हो सकती है, धोती हो सकती है, साड़ी हो सकती है, या कोई भी रोड हो सकती है। तो ये इसका जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसे लिगेचर कहते हैं। तो हैंगिंग एस्पेक्शिया का एक फॉर्म है जिसमें कि सस्पेंशन होता है बॉडी का लिगेचर की सहायता से। लिगेचर नेक के अराउंड इंसर्कल रहता है। और जो फोर्स है वो कहाँ से आया है, बॉडी के वेट से, मतलब अपनी बॉडी का जो वेट है उसी से ही कॉन्स्ट्रिक्टिंग, जो इसकी वजह से अपनी नेक में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यानी नेक में सिकुड़ जाएगी। तो वो जो नेक में कसाव बनेगा वो कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ से आ रहा है, वेट ऑफ बॉडी से। अब ऑन द इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो नोट की पोजीशन पे टिपिकल नोट यानी गठान, अगर वो गठान जो है वो कहाँ पे बनी, जो मिड लाइन जो लिगेचर है वो दोनों साइड में मिड लाइन के दोनों साइड में जाए, वो जो नोट है वो ओसीपिटल रीजन में, जो गठान है वो ओसीपिटल रीजन में बने, तो उसे टिपिकल हैंगिंग कहेंगे। इसी तरीके से एक हैंगिंग होती है टिपिकल हैंगिंग, जिसमें कि नोट जो है ओसीपिटल रीजन के अलावा किसी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड में या आमने सामने की तरफ, तो ओसीपिट को छोड़ के कहीं भी आए नोट तो उसे कहेंगे एटिपिकल हैंगिंग। फिर उसके अलावा कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग वो होती है जिसमें कि जो पूरी बॉडी है अपनी, वो देखो ये ग्राउंड अगर वो हवा में लटकी है तो वो कहलाएगी कंप्लीट, और अगर अपने बॉडी पार्ट जैसे घुटने ज़मीन को टच करें तो उसे कहेंगे पार्शियल हैंगिंग, मतलब जो टोस हैं ये किसको टच कर रहे हैं, ग्राउंड को, तो इसे पार्शियल हैंगिंग कहेंगे। फिर एक आता है एंटीमार्टम हैंगिंग और पोस्टमार्टम हैंगिंग। फिर जुडिशियल हैंगिंग यानी कि जिसमें कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती, वो है ऑटोएरेटिक हैंगिंग। लिंचिंग यानी कि पब्लिक प्लेस में उसको लटका दिया जाता है। ऑटो इरेटिक से क्या होगा, उसको सेक्सुअल प्लेजरमेंट मिलेगा एस्पिक्सिया जो हैंगिंग में हो रहा है उसकी वजह से। तो ये सब हम डिटेल देखेंगे। अब लिगेचर क्या होता है, ये अपन देख चुके हैं कि इसमें क्या होगा कि सुसाइडल पर्पस हैंगिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है आर्टिकल, जैसे कि बेल्ट, लेदर, चेन, वायर, धोती, साड़ी, ये सब हो सकते हैं। नोट जो है वो सिंपल और फिक्स हो सकती है गठान, और जो नूज है उसका धागा है वो भी फिक्स और रनिंग हो सकता है। अब सिम्टम क्या कहेंगे, तो लॉस ऑफ पावर, पावर लॉस हो जाएगी, कान बजिंग, कानों में रिंगिंग यानी कान में आवाज़ें सुनाई देगी, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला सा दिखाई देगा, मेंटल कन्फ्यूज़न, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सचेत अवस्था का लॉस हो जाता है, उसके अलावा कन्वल्जन्स भी आएंगे। तो ये सब इसके सिम्टम हैं। अब इसके अलावा डेथ का कारण क्या है, तो एस्पिक्सिया की वजह से डेथ हो जाती है, कंजेशन की वजह से यानी से ब्रेन में जो सेरिब्रल एनीमिया होता है उसकी वजह से डेथ होती है। और एस्पेक्सिया और वीनस कंजेशन दोनों के सिम्टम एक साथ होने से भी हो सकता है, या सर्वाइकल वर्टिब्री के डिसलोकेशन या फ्रैक्चर की वजह से, वेगल नर्व इनिबिशन से डेथ होती है, ये डेथ के मेजर कारण है। अब इसके बाद यहाँ पे डेथ डिले, अगर कुछ समय बाद डेथ हुई है तो वो क्यों हुई, क्योंकि बच गया और उसके बाद डेथ हो रही है, तो क्योंकि एस्पायरेशन निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, एडिमा हो गया लंग्स में, लेरिंग्स का एडिमा, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, एप्सेस, सेरिब्रल सोपनिंग, ये सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी डेथ हो सकती है। फेटल पीरियड इसका कितना रहता है, इमीडिएटली रहता है, जनरली सर्वाइकल वर्टिब्रा रप्चर हुई तो इमीडिएटली डेथ होती है, लेकिन एस्पेक्सिया और अदर रीज़न की वजह से अगर हुआ है तो 3 to 5 मिनट्स के बाद होगा। और ट्रीटमेंट क्या देना है, तो हमें तुरंत उसका जो लिगेचर है उसको रिमूव करना है जो कि कॉन्सिक करके रखा है नेक को, और हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना है, कुछ स्टिमुलेंट्स देना है जिससे कि वो अराउजल स्टेट में आ जाए। इसके अलावा पोस्टमार्टम अपीरियंस अपन को देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिगेचर मार्क निशान देखने को मिलेगा, और ये लिगेचर मार्क है ये कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कंप्रेशन और लिगेचर यानी कितना कंप्रेस किया है, विड्थ कितना लिगेचर वो गहराई कितनी गई है, उसके अलावा जो वेट है कितना वेट है उस बॉडी का उस पर भी डिपेंड करेगा जो लिगेचर मार्क है वो, इसके अलावा लाइटनेस मतलब कि कितना वो कितना इंसर्कल लिए, कितना राउंड उसने लिगेचर के हुए हैं, पोजीशन ऑफ नोट की पोजीशन कहाँ पे है और कितनी देर तक बॉडी हवा में सस्पेंड रही, इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं।
नोट जो होती है ये क्या होती है, स्प्लिट नोट और ब्लाइंडिंग नोट। तो स्प्लिट नोट क्या होती है, इज़ प्रोड्यूस बाय अटैचिंग अ रोप टू इट सेल्फ क्रिएटिंग अ लूप विच कैन बी टाइटेन टू प्रोड्यूस अ रनिंग नोज। मतलब लूप बना लिया जाता है जिसमें एक रनिंग नोज रहेगा। और बाइंडिंग नोट जो होती है उसमें क्या होगा, रोप पासेस एटलीस्ट वंस अराउंड द नेक, एक सर्कल तो होगा ही होगा। इज हेल्ड इन प्लेस बाय टू एंड्स ऑफ द रोप बींग नोटेड टुगेदर। इसके डायग्राम में हम देख लेंगे उसको आखिरी में अभी कि कौन सी स्प्लिट नोट होती है और कौन सी बाइंडिंग नोट होती है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि जो नोट है उसको दिखाया है फिक्स और रनिंग। उसमें जो नोज है वो फिक्स है, एक में नोज जो है फिक्स कर दिया और एक में रनिंग नोज है, ठीक है। और इसके अलावा और भी है जैसे कि वे टू प्रिजर्व नोज, उनको प्रिजर्व कैसे करना है ये। अब यहाँ पे इंटरनल फाइंडिंग्स, तो उसमें नेक की मसल जो है उसमें क्या हो जाएगा, कंट्यूशन। टिशू जो है ड्राई वाइट काइमोसिस हो जाएगा, टिशूज में काइमोसिस यानी हो जाएगा यानी इंटरनल हेमरेज। ड्राई वाइट कलर के टिशू देखेंगे, स्लाइट ब्लीडिंग होगी कैरोटिड आर्टरीज में, उनकी इंजरी हो जाएगी। हर्ड बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। ब्रेन में कंजेशन और पेलनेस, लंग्स में कंजेशन एडिमा, एब्डोमिनल विसरा में भी कंजेशन हो सकता है। इसके अलावा हेमरेज भी हो सकता है थायराइड और सलाइवरी ग्लैंड्स में। जुडिशियल हैंगिंग क्या होती है, इंडिया में लीगल डेथ सेंटेंस जो है वो जुडिशियल हैंगिंग के द्वारा होता है, इज कैरिड आउट बाय हैंगिंग द क्रिमिनल। वही के जो लीगल डेथ सेंटेंस है उसमें हैंगिंग दी जाती है क्रिमिनल को एक्ट करने के बाद। इसमें डार्क मास्क लगा दिया जाता है, पहना दिया जाता है जो क्रिमिनल है उसको। और उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको विच ओपन डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ से खुलता है जब उसको ब्लॉट को अपन नीचे छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ खुलेगा। अब उसमें रोप लगी रहती है जो कि 5 से 7 मीटर ऊंचाई पे उसको इस तरीके से लटकाया जाता है। और ये सब एज और उस पर हाइट पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट पे उसको खड़ा करना है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी सडन स्टॉपेज हो जाता है, ठीक है, सडन स्टॉपेज हो जाता है, बॉडी मूव नहीं, मतलब कि स्टॉपेज ऑफ मूविंग बॉडी, बॉडी जो मूव कर रही थी वो स्टॉप अचानक से रुक जाएगी। और फिर उसके बाद जो नोट की पोजीशन है उसको उससे भी एसोसिएटेड हो सकता है, अचानक से उसे खींच दिया जाता है जिससे कि वो बॉडी हवा में सस्पेंड हो जाएगी। C3, C4 या C2, C3 वर्टिब्री फ्रैक्चर होने से यहाँ पर मेनली डेथ होती है। लिंचिंग क्या होती है, पब्लिक प्ले, जैसे कि कोई होमिसाइडल हैंगिंग में आता है, दूसरे इसको दूसरे होमिसाइडल यानी कि दूसरे मार रहे हैं, पब्लिक पूरी पब्लिक मिलके उसे क्रिमिनल को, किसी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जो गिल्टी या क्रिमिनल है उसको क्या किया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो मोब ऑफ पीपल कैच द ऑफेंडर एंड हैंग हिम, उसको फोर्सिबली ट्री पे लटका दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटो इरेटिक हैंगिंग यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सेक्सुअल प्लेजर है वो मिलेगा एस्फिक्सिया की वजह से, ठीक है। तो इसे एस्फिक्सियोफिलिया भी कहते हैं, उसमें सेक्सुअल पैराफिलिया में के अंतर्गत में आता है, जिसमें कि एस्फिक्सिया से हमें एस्फिक्सिया के द्वारा जो पर्सन है वो क्या करता है, सेक्सुअल प्लेजरमेंट मिलेगा, वो हैंगिंग की प्रोसेस करने लगता है जिससे एस्फिक्सिया होता है, जिससे उसको सेक्सुअल प्लेजरमेंट मिलता है और वो फीमेल डिसअप में फीमेल एटीट्यूड में रहता है। इसके अलावा वो इस दौरान क्या करता है, सस्पेंड करके साथ में सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए मास्टरबेशन भी यूज़ करता है। अब हैंगिंग जो है वो सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल हो सकती है, ये इसके मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटली कैसे हो सकती है, जैसे कि सर्कस के केसेस, सर्कस के उसमें होता है, या मिमिक्री कर रहे बच्चे तो उस दौरान रियल में हो जाए, या ऑटो इरेटिक के दौरान वो प्लेजर के लिए कर रहा था लेकिन वो रियल में हैंगिंग हो गई। इसके अलावा एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम तो है ही।